अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 105 TA-1010 एक नोकिया 105 का TA-1034 है और ये TA-1010 है। दोस्तों इसका सिक्योरिटी कोड अनलॉक करना हो तो किस तरह किया जाता है? दोस्तों दोनों का एक ही तरीका है, तो अगर आपको आपके पास TA-1034 है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो देख के खोल सकते हैं। लेकिन अगर ये भी तरीका अपनाएं तब भी ओपन किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका मैं मॉडल थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल जो है वो TA-1010। तो आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आपका जो कोड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मोबाइल को हमने इस तरह बंद करके रखना है और ये इसका मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ये एंटीवायरस जो है इसको भी क्लोज़ कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये मेडिकल थंडर जो है इसको हमने यहाँ से ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और दोस्तों नोकिया के USB ड्राइवर भी होने बहुत ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं है आपके पास तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों मेरे ऑलरेडी इंस्टॉलेड हैं, इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ये हमारा ओपन हो गया है, ये MTK की टैब है और नीचे सर्विस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने क्लिक करनी है RD अनलॉक, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने बूट जो सिलेक्ट करनी है वो ये नोकिया RM-1110 है और 1133 ये वाली बूट सिलेक्ट करके स्टार्ट का बटन दबा देना है। और अब हमने बंद मोबाइल जो है बंद की हालत में ही हमने इसको USB प्लग इन करनी है, कोई बटन नहीं दबाना, कोई कुछ नहीं दबाना, बस यहाँ पे ये मैंने प्लग इन कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये नीचे इसने यहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी है। नोकिया USB सीरियल पोर्ट, ये ड्राइवर इसके यहाँ पे ये इंस्टॉल है, देख सकते हैं आप 36 नंबर की कॉम है और यहाँ पे भी 36 नंबर आ रही है। तो ये थोड़ी देर में इसका कोड अनलॉक हो जाएगा, ये अभी टेस्ट मोड पे जा रहा है आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों हमारा कोड जो है वो सामने आ चुका है, तो हम इसको वैसे ही उतार लेते हैं। इसका कोड हमें ये 1 2 3 6 9 ये मिला है, तो इसमें ये हम लगा के चेक भी कर लेते हैं कि यही कोड है या कोई और है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मोबाइल हमारा अभी तक लॉक है, मैं लॉक जो हमें मिला था 1 2 3 6 9। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कोड हमारा ओपन हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से रीसेट भी कर देता हूँ 1 2 3 6 9। तो अभी आप देख सकते हैं सेटिंग रीसेट हो गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।